ये अभी 13th प्रॉब्लम देखो क्या बोला है यहाँ पर. अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. फर्स्ट क्या है? प्राइम नंबर. पहले तो हमें डाई थ्रो करने के बाद क्या क्या नंबर मिलते हैं वो हम लिखेंगे. आउटकम क्या आता है देखो, आउटकम कौन से नंबर्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मतलब टोटल है जो कि पॉसिबिलिटी है. एक बार अगर डाई आप थ्रो करोगे ना, इनमें से नंबर आएंगे 1, 2, 6 में से. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ प्राइम नंबर. चलो पहले हम प्राइम नंबर या फिर प्राइम नंबर्स कौन से इनमें से 2 है, 3 है और 5 है. ठीक है, अगर आपको इसको प्रॉपरली लिखना है तो आप क्या करोगे, इसका फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितने हैं यहाँ पर देखो, 3 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर क्या आएगी, टोटल कितने हैं आउटकम, 6 है और प्राइम नंबर कितने हैं, 3 है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी हाफ. राइट, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 इसकी क्या है प्रोबेबिलिटी, नंबर 2 to 6 में होना चाहिए. मतलब फेवरेबल आउटकम क्या होंगे या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 to 6, तो ये कौन से नंबर आएंगे, 2, 3, 4, 2 नहीं, 2 to 6 के बीच में नंबर कौन से आएंगे, 3, 4, 5. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर बिटवीन 2 to 6 कौन से हैं, मतलब ये 3 नंबर्स, टोटल आउटकम कितने हैं, 6, मतलब इसकी भी प्रोबेबिलिटी आएगी हाफ. आगे ऑड नंबर, ये टोटल आउटकम है, उसके बाद फेवरेबल क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम ये आएंगे क्या है देखो, ऑड नंबर कौन से है, 1, 3, 5, 3 ही है, टोटल कितने हैं, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी आ रही है हाफ. ओके, अब ये नेक्स्ट वाला देखो, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. ओके, प्रॉब्लम क्या दिया है बाद में देखेंगे, पहले ये देखना जरूरी है कि कार्ड्स 52 किस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं. अब यहाँ पर देखो, यहाँ कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, या फिर आप कॉपी कर लो इसको और याद करो. 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, उनमें से होते हैं 26 ब्लैक कलर्स और 26 रेड कलर के. अब इन 26 ब्लैक में जो है वो 13 होते हैं हर्ट के और 13 होते हैं डायमंड के. वैसे ही रेड में भी सेम है, 13 हर्ट, 13 डायमंड. और 13 में से 4 जो है ना, वो सभी में 4 जो है ना, नंबर्स नहीं है उनके, वो होते हैं एक के एक का किंग, क्वीन, जैक, सभी में होते हैं. और बाकी के नंबर वाले होते हैं, समझ में आ रहा है, बाकी के नंबर वाले होते हैं, नो प्रॉब्लम. अभी हम जाते हैं प्रॉब्लम की तरफ. फ्रॉम मतलब वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड में से कोई तो एक कार्ड रैंडमली सेलेक्ट किया है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अ किंग ऑफ रेड कलर. किंग कार्ड चाहिए, वो भी रेड कलर वाला. यहाँ पर देखो, यहाँ रेड में से कौन चाहिए, किंग, मतलब 2 है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए टोटल आउटकम 52 कार्ड्स है, राइट, फेवरेबल. चलो
26 रेड कार्ड्स है, 26 रेड कार्ड्स है, उनमें से एक निकाला है ना, कौन सा वाला? किंग। किंग के कितने कार्ड्स हैं? दो कार्ड्स है, ठीक है। मतलब यहां पर फेवरेबल आउटकम क्या आएगा, मतलब जो कि पॉसिबिलिटी है, टोटल में से कितने किंग है, कितने किंग है? दो है, 2 by 52 = 1/26। अभी क्या कहता है? ओ फेस कार्ड। अभी फेस कार्ड कौन से है देखो, फेस कार्ड कौन से होते हैं यहां पर, ये देखो टोटल, फिफ्टी टू कार्ड्स राइट, उनमें से फेस कार्ड कितने हैं? फेस कार्ड किसको किसको बोलते हैं आप? एक तो किंग, क्वीन और जैक, ये एक का जो है ना उस पे, उसे हम फेस कार्ड नहीं कहते, वो तीन जो कार्ड है ना वो फेस कार्ड होते हैं। ऐसे कितने टोटल फेस कार्ड्स हैं? क्या उन्होंने ऐसी कोई टर्म या मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी कि आप ब्लैक में से सेलेक्ट करो या फिर हर्ट में से फेस कार्ड चाहिए? नहीं, टोटल में से कार्ड है। यहाँ देखो, यहाँ 3 + 3 + 3 + 3 राइट, मतलब 4 है किंग के, 4 फेस कार्ड है क्वीन के और 4 फेस कार्ड है जैक के। मतलब फेवरेबल आउटकम क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम आएगा कितने है, मतलब ये टोटल 12, कितनों में से? 52 में से, ठीक है। मतलब इसका आंसर आएगा आपका 3/13, ये भी हो गए। अब नेक्स्ट, अ रेड फेस कार्ड। देखो पहले हमने फेस कार्ड ही पूछे थे, हमने 52 में से निकाले, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी गई है, फेस कार्ड चाहिए लेकिन किस में से? रेड में से। पहले तो सभी के लिए टोटल आउटकम क्या होगा, है ना, 52 ही होगा। रेड फेस कार्ड कितने हैं रेड में फेस कार्ड? यहां पर 3 और यहां पर 3, 6 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, टोटल कितने हैं? 52, उनमें से 6, ठीक है। मतलब ये आएगा 3/26 राइट, ओके नो प्रॉब्लम। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? अ जैक ऑफ हर्ट्स। हर्ट में से कौन चाहिए? जैक चाहिए, और हर्ट में जैक कितने हैं? एक ही है। सो टोटल आउटकम कितने आएंगे इसके? 52 राइट, और रेड, उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या पूछा है देखो, रेड नहीं, जैक ऑफ हार्ट, ब्लैक या ग्रीन कलर ऐसे कुछ भी नहीं मेंशन किया, बस बोला है कि जैक ऑफ हर्ट। तो यहां भी हर्ट है, यहां भी हर्ट है, कौन है? जैक। तो बहुत ही सिंपल है, इसके टोटल आउटकम कितने आएंगे? टोटल आउटकम तो 52 ही है, और हर्ट, जैक ऑफ हर्ट राइट, ही मिलेंगे राइट। अब उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट टोटल में से 2, अगेन ये आएगा 1/26 राइट, नो प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट देखो, यहां पर अ स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड पूछा है, आगे है अ स्पेड कार्ड। तो याद रखो टोटल में
टोटल तो 52 कार्ड है, उसमें स्पेड वाले कार्ड होते हैं 13, बस याद रखो इसको भी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्प्रेड कार्ड इज 52 में से 13, मतलब 1/4 आएगी। ठीक है, अब लास्ट पूछा है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन चाहिए, कहाँ से चाहिए क्वीन, डायमंड में से। यहाँ पर देखो क्वीन चाहिए हमें डायमंड में से, और ऐसे डायमंड कितने हैं हमारे पास, 2 है, मतलब 2 मतलब 26, उसमें से कौन चाहिए क्वीन, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, टोटल आउटकम, ये तो 52 तय है, क्वीन ऑफ डायमंड्स कितने हैं ऐसे क्वीन, 1+1 2, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन क्या आएगी, 2/52, मतलब 1/26। बहुत ही सिंपल था। अब ये नेक्स्ट वाला देखो, 15th क्या है, 5 कार्ड्स, कौन से 10, अगेन जैक, क्वीन, किंग एंड एक ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, then what is the probability that the card is the queen, first of all card है ये 5 लिए है उन्होंने, diamond में से select किए हैं, और उनके faces जो है वो ऐसे मतलब उसको उल्टा करके रखा है, तो उनको उल्टा करके रखा है ताकि उनके faces ना दिखे, तो उसमें क्या probability है queen आने की। पहली बात तो 52 कार्ड में से सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो हमें याद रखना होगा कि टोटल आउटकम जो है वो कितने हैं, 5 कार्ड में से है, उसमें से हमें निकालनी है क्वीन, एक ही क्वीन है यहां इस कार्ड में, 1 क्वीन, सो फेवरेबल आउटकम क्या आएगा, 1 ही आएगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन क्या आएगी, 1/5 में से 1। नेक्स्ट है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एक के, पहले वो सॉल्व करेंगे। ये देखो अभी क्या किया है उन्होंने, क्वीन को साइड में रख दिया, तो क्वीन यहां से चली गई। अब कितने टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4, उनमें से भी एक के कार्ड कितने हैं, एक ही है, राइट। तो उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक के इज 1, कितने में से, 4 में से, राइट। और बी क्वेश्चन, अ क्वीन, क्वीन को साइड में रखा है तो इतने कार्ड बचे हैं, राइट, टोटल, मतलब 4, और उसमें से क्या निकालना है हमें, क्वीन। सो क्वीन तो थी वो कार्ड, वो तो चला गया, तो फेवरेबल आउटकम कितना आएगा, 0 आएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग क्वीन
4 में से 0 मतलब 0 ही आएगी, बहुत सिंपल था।